वैसे तो जो है बहुत चीज़ों की खीर बनती है, लेकिन मखाने की खीर जो है ना सबसे फ़ायदेमंद। तो ये देखिए, हमने आज आपको हमने मखाने की खीर बनाई है, और ये दूध में बस मखाना और चाकू से या सलोचे से काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और इसको दूध में डाल के और बची हुई आग में बैठा दीजिए। तो ये पकते पकते और ये ठंडा हो जाएगा ना, तो भी और लेकिन हमारा एकदम पिंक कलर का दूध हो गया है और पक गया है हमारा ना, तो हमने फिर इसको इसमें हमने चीनी डाल दिया, और ये हमारे मखाने की खीर। तो आप लोग भी जो है मतलब मखाने की खीर जो है ना एकदम इजी रहती है, और स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। व्रत में लोग खूब बनाते हैं, लेकिन हम अक्सर इसको बनाते हैं कभी भी, तो बना लिया। और चावल तो आजकल सब ज़्यादातर लोग परहेज करते हैं, चावल नुकसान करता है, तो मखाने की खीर जो है सबसे इजी और स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। तो इसलिए आप लोग भी बनाइए और बताइए कमेंट में कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और मखाने की खीर का वीडियो बस। तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू।